कोरबा जिले के नौपदस्थ पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल ने शुक्रवार को पदभार ग्रहण किया। एसपी अभिषेक मीणा ने भोजराम पटेल को चार्ज देते हुए स्वागत किया। एसपी भोजराम पटेल ने पुलिस अधिकारियों से परिचय प्राप्त किया। इस मौके पर पत्रकारों से अपनी प्राथमिकता बताते हुए कहा कि कोरबा जिले में विश्वास, विकास और सुरक्षा थीम पर किया जाएगा। क्राइम कंट्रोल, कम्युनिटी पुलिसिंग के साथ ही अपराधियों के मन में पुलिस के प्रति भय का माहौल होना जरूरी है, तभी अपराधों को नियंत्रित किया जा सकता है। पुलिस के प्रति सकारात्मक सोच पैदा करना होगा। पुलिस को एक अच्छी सोच को लेकर काम करने से सकारात्मक परिणाम आता है। एक सवाल के जवाब में एसपी भोजराम पटेल ने बताया कि छत्तीसगढ़ के एक सरकारी स्कूल में प्राथमिक शिक्षा के बाद वे शिक्षा कर्मी होकर बच्चों को पढ़ाया करते थे, लेकिन मेरा मिशन कुछ और था, प्रयास जारी था। उसी प्रयास का नतीजा है कि मैं आज कोरबा का एसपी हूँ। सोच अच्छी हो, मेहनत और समर्पण से कोई लक्ष्य कठिन नहीं होता है। इस कामयाबी में माता पिता का आशीर्वाद, गुरुजनों का मार्गदर्शन के साथ उनका आशीर्वाद भी मिला। आज मैं कोरबा एसपी के रूप में आपके सामने हूँ। युवाओं में नशा की बढ़ती प्रवृत्ति पर रोक लगाने का प्रयास रहेगा। बच्चों को अच्छा मार्गदर्शन देने का कोशिश करेंगे। इस जिले में विश्वास, विकास एवं सुरक्षा के बेस पर हम मतलब मैं पूरी टीम वर्क के साथ में मेरी मतलब विश्वास, विकास, सुरक्षा को साथ लेकर के मैं काम मेरा काम होगा। साथ ही साथ यहाँ पर इस प्रकार की पुलिसिंग रहेगी कि क्रिमिनल्स के मन में भय रहेगा और जो अच्छे लोग हैं, सज्जन लोग हैं, उनके मन में पुलिस के प्रति एक सकारात्मक छवि रहेगी। हमारी पुलिसिंग टीम वर्क के साथ में इस प्रकार होगी कि क्रिमिनल्स कोई भी क्राइम नहीं कर पाएंगे और उस पर पूरी तरह से लगाम लगाने की पूरी हम लोग कोशिश करेंगे। देखिए, पुलिसिंग एक अच्छी सोच, अच्छी नीयत के साथ में काम करने से उसका फायदा सबको प्राप्त होता है, क्योंकि यहाँ की टीम बहुत अच्छी है और क्योंकि मतलब यहाँ की जो टीम है और यहाँ के जो लोग हैं उन सबके साथ मिल करके एक अच्छा काम करने की हमारी पूरा भरसक प्रयास रहेगा। शुरुआती जीवन में जिस प्रकार से आपने बताया उस प्रकार से रहा, लेकिन अच्छे टीचर्स मिले, अच्छे साथी मिले, एक माहौल मिला और ऊपर वाले की ब्लेसिंग साथ में रही, मम्मी पापा की ब्लेसिंग साथ में रही और एक सरकारी स्कूल में पढ़ने के बाद में शिक्षाकर्मी बनना और शिक्षाकर्मी बनने के बाद में प्रयास करने के बाद में भारतीय पुलिस सेवा के रूप में मेरा यहाँ पर आया मैं और आज आप लोगों के सामने एसएसपी के पद पे आया हूँ। तो मैं सब लोगों से ये कहना चाहूँगा, हमारी सोच अच्छी हो, मेहनत हो, समर्पण हो तो कोई भी लक्ष्य कठिन नहीं होता है और हर किसी को हमको जो अवसर प्राप्त होते हैं उसको प्राप्त करने की हर किसी को कोशिश करनी चाहिए। जैसे क्या होता है कि जितने सारे थाने में स्कूल्स होते हैं तो लगभग जब भी ऐसे कोई विजिट रहता है या जब भी कोई विजिट रहता है स्कूल पढ़ते हैं तो जब भी ऐसे अपॉर्चुनिटी मिलता है तो उन लोगों से बात करने की कोशिश करता हूँ। खासकर इसमें अब मेरा जो फोकस रहता है यंगस्टर जो है, जो कॉलेज में जो बच्चे होते हैं, तो जिस प्रकार से उनके मन में आप समझ सकते हैं कि धूम्रपान या स्मोकिंग को लेकर के, ड्रिंकिंग को लेकर के जिस प्रकार से एक प्रकार से उनकी आदत बनती है, तो मेरा पूरा प्रयास रहता है कि हम युवाओं को एक सही दिशा दें और ये जो गलत वृत्ति है इन चीज़ों से दूर रहें। तो अब मेरा एजुकेशन या जो समझाने का ज़्यादा फोकस रहता है यंगस्टर लोगों पर रहता है। साथ ही अपॉर्चुनिटी मिलने पर प्राइमरी मिडिल के बच्चों को जा करके एक अच्छी सोच के साथ में उनको मार्गदर्शन करने की कोशिश करता हूँ। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए रामकुमार यादव के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट।